और जंग को पूरे 67 दिन हो चुके हैं और आज 68वां दिन है। अब तक इस युद्ध में ना ही किसी की जीत हुई है और ना ही किसी की हार, लेकिन 2 महीनों से ज्यादा से चल रहे इस युद्ध में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। दोनों देशों के कई हजार सैनिक मारे गए हैं। अब तक हुए इस युद्ध से हो रही तबाही का आकलन करना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन युद्ध में नुकसान को लेकर ब्रिटेन ने चौंकाने वाला दावा किया है। यूक्रेन और रूस जंग का 67वां दिन, चौबीस फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध का अंत कब और कैसे होगा ये तो कोई नहीं जानता, मगर इस युद्ध ने यूक्रेन के गलियों गलियों में सन्नाटा फैला दिया है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन को हर तरफ से घेर रखा है, जबकि यूक्रेन की कहानी रूस के दावे से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। आज जंग का 67वां दिन है, दोनों देशों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिश श्यामल के द इकोनॉमिस्ट में लिखे एक कॉलम में यूक्रेन को भारी भरकम आर्थिक नुकसान की बात कही है। डेनिश का मानना है कि युद्ध की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि युद्ध की वजह से देश को $600 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। यूक्रेन में सैकड़ों उद्योग धंधे तबाह हो चुके हैं, लगभग 2500 किलोमीटर सड़कें और लगभग 300 पुल बर्बाद हो गए हैं। इस युद्ध में जहां यूक्रेन को भीषण तबाही का सामना पड़ रहा है, वहीं रूस को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तो सैंक्शंस के रूप में उसकी इकोनॉमी क्रिपल हो जा रही है, और दूसरे उसका अपना जो अपूरणीय क्षति हो रही है, चाहे युद्ध मारक साजो सामान के रूप में या लोगों की जाने गंवाने में या इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान में या जो एफर्ट राष्ट्र के ग्रोथ में लगना चाहिए था वह युद्ध में लगकर जो क्षति हो रही है वह भरने में बहुत बड़ा समय लगेगा। और 67 दिनों के युद्ध में यूक्रेन को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में उसे सालों लगेंगे। अमेरिका ने जो आर्थिक मदद का ऐलान किया है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, क्योंकि यूक्रेन के खंडहर हो चुके शहरों को खड़ा करने में कितने पैसे खर्च होंगे इसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। ये तो बात हो गई यूक्रेन की, लेकिन इस युद्ध में ताकतवर दिख रहे रूस का भी हाल खस्ता है। 2 महीने से चले आ रहे युद्ध में रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के न्यूज़पेपर द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक शनिवार यानी 30 अप्रैल तक रूस के 23,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। रूस के 8 नेवी बोट, 155 हेलीकॉप्टर, 1,000 टैंक, 76 फ्यूल टैंक, 190 फाइटर प्लेन, 232 ड्रोन, 2,445 बख्तर बंद गाड़ियां, 77 एंटी एयरक्राफ्ट, 151 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तबाह हो चुके हैं। हालांकि रूस की माने तो उसे नुकसान हुआ है, मगर यूक्रेन के इन दावों में कितनी सच्चाई है इस पर रूस ने कभी भी कोई टिप्पणी नहीं की। यूक्रेन की सड़कों पर कई बार आपको रूस के टैंक और गाड़ियों में आग की लपटें घिरी देखी होंगी, लेकिन जानकार इस बात को मानते हैं कि अगर ये युद्ध आगे और चलता रहा तो नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में तरह तरह के अनुमान लगाए गए थे, और सारे के सारे अनुमान गलत साबित हुए हैं, खासकर इस मुद्दे पर कि यह युद्ध कब खत्म होगा। यह एक ऐसा युद्ध है जिसके खत्म होने की संभावना 3 से 5 दिनों में आंकी गई थी, लेकिन हर बीतते दिन के साथ में इसकी अवधि बढ़ती गई और अब तो लोगों ने आकलन भी लगाना बंद कर दिया है। युद्ध 3रे महीने में चल रहा है और यह कब खत्म होगा, रूस अंततः क्या चाहता है या यूक्रेन किस बात पर समझौते के लिए तैयार होगा,
यह तो अब सिर्फ अनुमान का विषय रह गया है। फिलहाल शनिवार को यूक्रेन की सेना ने इस बात का दावा किया है कि उसने खार्किव क्षेत्र के 4 गांवों पर फिर से नियंत्रण कर लिया है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि खार्किव क्षेत्र के 4 गांवों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। रूसी सेना पूर्व में विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण करने में अब तक असफल रही है। वहीं दूसरी तरफ पूरे यूक्रेन में रूस की ओर से मिसाइल हमले जारी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने शनिवार को यूक्रेन के 17 सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 200 से ज्यादा यूक्रेनियन मारे गए। युद्ध होगा तो जानमाल का नुकसान होगा ही। रूस और यूक्रेन अब तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। बस अब दुआ ये है कि इस युद्ध का अंत होते होते देर न हो जाए और इसकी चपेट में पूरा विश्व न आ जाए। और यूक्रेन के हमलों ने राजधानी कीव और उसके आसपास के शहरों का क्या हाल किया है, उसकी असल तस्वीर अब दुनिया के सामने आने लगी है। यूक्रेन के इरपिन शहर से दिखाते हैं न्यूज 18 के रिपोर्टर जनक दवे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूसी सेना की बर्बरता की बहुत सी कहानी है रूसी यूक्रेन जंग में, लेकिन आज हम आपको इरपिन की वो कहानी बता रहे हैं जिसमें देख सकेंगे आप कि कैसे रूसी सेना ने आम सिविलियन को चुन चुन कर निशाना बनाया था। जब इरपिन पर रूसी सेना ने हमला किया तब लोग घर छोड़कर अपने परिवार के साथ गाड़ियों में भागना शुरू किए, लेकिन वो इतने खुशकिस्मत नहीं रहे। एक एक करके गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और गाड़ियां भी कितनी, एक नहीं दो नहीं। आज आप उन तस्वीरों को हम दिखाएंगे न्यूज 18 इंडिया के स्क्रीन पर कि गाड़ियों का पूरा पहाड़ यहां पर बन गया है। ये गाड़ियां आप गिन लीजिए, ये गाड़ियां देख लीजिए, यहां पर कितने लोग इरपिन छोड़कर अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ भागने की कोशिश कर रहे थे। एक एक गाड़ियों को गोला बारूद से निशाना बनाया गया। ये देखिए, ये तिजोरी भी है जहाँ पर परिवार ने अपनी जो भी बचत रखी होगी, जो भी सेविंग की होगी, उसको लेकर वो अपने साथ भाग रहे थे। लेकिन ये तस्वीरें बता सकती हैं आपके कि किस तरीके की बर्बरता उस समय बरती गई। चाहे छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, सभी गाड़ियों को एक एक करके चुन चुन कर निशाना बनाया गया। उन्होंने सिविलियंस को निशाना बनाया गया। ये युद्ध की सबसे कहे कि ये सही बात नहीं होती। युद्ध में सेना सेना के सामने लड़ती है, आम लोगों को निशाना नहीं बनाया जाता। लेकिन इरपिन की ये तस्वीरें देख लीजिए, ये इरपिन के ब्रिज पर की वो दर्दनाक कहानी आज आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां गाड़ियों का एक पहाड़ बन चुका है। ये जो गाड़ियां हैं उनमें इरपिन के लोग अपने परिवारों के साथ निकले थे। सबसे बड़ी जो मास किलिंग हुई वो बूचा और इरपिन में, और ये यही इरपिन की तस्वीरें हैं जहां पर गाड़ियों पर गोलियां दागी गई, बेशुमार गोलियां दागी गई, चाहे कहे कि गोले दागे गए, गाड़ियां छोड़ी ही नहीं गई, आग के हवाले कर दी गई। कितने लोग बचे, कितने लोग मरे, इसकी किसी भी तरीके की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन आप देखिए, एक एक करके चुन चुन कर ये गाड़ियों पर भी जिस तरीके से गोलियां मारी गई, आप देखिए, मेरे साथ कैमरामैन पंकज तोमर आपको दिखाएंगे। गाड़ियों को यहाँ पर जब आग के हवाला किया गया गोला बारूद से, यहाँ पर ये गोलियाँ ही गोलियाँ दागी गई, और ऐसी एक नहीं दो नहीं, लेकिन पूरा पहाड़। अभी यूक्रेन सेना ने इस जगह पर पूरा कंट्रोल कर लिया है, लेकिन उस इरपिन ब्रिज पर ये जो दर्दनाक वाक्या हुआ था उसकी ये सबूत है कि कैसे एक एक करके इन परिवारों को, आम लोगों को वहाँ पर निशाना बनाया गया था। और आज ये जो पहाड़ है गाड़ियों का, यही दिखाता है कि कितनी दर्दनाक मौत वहाँ पर उन लोगों को दी गई होगी रूसी सेना द्वारा, आम लोगों द्वारा। देखिए, गोलियाँ दागी गई है,
गोले बरसाए गए, मिसाइल्स दागी गई और पूर्व का पूरा जो इरपिन का मास किलिंग का जो मसला है बूचा के साथ साथ, वो आज भी यूक्रेन के जो दर्दनाक किस्सों में एक गिना जाता है। और यही दिखाता है ये तस्वीरें कि आज देखो गाड़ियों का पहाड़ है, इसके पीछे दर्दनाक कहानियां हैं और रूसी सेना की बर्बरता साफ तौर पर दिख रही है। और इस बीच इरपिन में रूस के हमलों में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके लिए सेना के कई अधिकारी वहां पहुंचे। और रूसी हमलों में अपने देश के लिए कुर्बानी देने वाले सैनिकों को याद किया। बताया गया कि यूक्रेन में हर साल ईस्टर के अगले हफ्ते लोग अपनों की याद में इसी जगह उनकी कब्र में फूल चढ़ाने पहुंचते हैं। इस साल रूस के लिए हमले की वजह से इरपिन में ऐसी तबाही मची कि ना जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिनमें ज्यादातर लोग यूक्रेन की फौज में शामिल थे। इसलिए उन्हें याद करते हुए सेना के अधिकारियों के साथ ही इरपिन के लोगों ने भी श्रद्धांजलि दी। Люди приходять і біля своїх могилок, як то кажуть, постояли трошки, як то кажуть, помолилися. साथ ही उन्होंने रूस की सेना पर इरपिन को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया, जिसका सबूत वहां मौजूद इमारतों ने दिया। दावा किया गया कि रूस की मिसाइलों के बरपाए कहर से इरपिन पूरी तरह तहस नहस हो गया, जिसकी वजह से वहां कुछ इलाकों में तो एक भी मकान रहने लायक नहीं बचा। और बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल से ठीक होकर घर लौट आए। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल से ठीक होकर घर लौटे। मांसपेशियों में दर्द की शिकायत के बाद मुंबई के अस्पताल में हुए थे भर्ती। घर लौटने के बाद फैंस के लिए वीडियो संदेश जारी किया। I'm back with your good wishes, his blessings. एमपी के देवास में दिन दहाड़े हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर ये फायरिंग हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। और महायुद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस अपने